हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी के सिलेबस में जैसे कि हमने जनरल स्टडीज़ की से स्टार्टिंग की थी, तो जनरल स्टडीज़ में हमने स्पेक्ट्रम से अपना स्टार्टिंग की थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट से हमने स्टार्टिंग की थी। तो उसी सीरीज़ में हमारा आज सेवन्थ लेक्चर है। इससे पहले कि हमने 6 लेक्चर्स में अपने 3 चैप्टर को कवर किया है, और आज हमारा ये 4th चैप्टर का सेकेंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है। इसमें हम 4th चैप्टर भी कम्प्लीट कर लेंगे, जो कि ईपीएफओ के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था कि यूरोपियों ने किस तरह भारत में यूरोपियों का किस तरह भारत में आगमन हुआ, यानी कि अलग अलग देशों यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे यहाँ आई, जैसे कि पुर्तगाल आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंचीज आए। तो ये सारे चारों, स्पेशली ये चारों ही यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर व्यापार करने आए। व्यापार करने के बाद इन्होंने आपस में कंपटीशन किया, कंपटीशन में इनमें मुठभेड़ें हुई। किस तरह इन्होंने एक ताकत ने दूसरी ताकत को, यानी कि एक देश ने दूसरे देश की यहाँ पर मोनोपोली को ख़त्म किया और अपने व्यापार पर एकाधिकार किया, मोनोपोली स्थापित की। इसी तरह आपस में एक दूसरे को इन्होंने ख़त्म करके जो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा वो ब्रिटिशर्स उभरे, यानी कि अंग्रेज़ उभरे। और अंग्रेज़ सबसे बड़ी ताकत के रूप में क्यों उभरे, उसकी क्या वजह थी? उसके सबसे बड़ी वजह थी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, कि उस समय जिसकी जल सेना यानी कि जिसकी नौसेना सबसे मजबूत थी, उसी ने दुनिया पर हुकूमत की और दुनिया पर शासन स्थापित किया। इसलिए सबसे बड़ी, जो सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य था कॉलोनियल टाइम पीरियड का, उपनिवेश जो सबसे ज़्यादा थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के थे। और यूरोपियन में भी किसने सबसे ज़्यादा कॉलोनीज बनाई थी अपनी, वो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉलोनियलिज्म स्थापित किया था, उपनिवेश स्थापित किए थे अपने। उसके बाद फ्रेंचीज और स्पेनिश लोग थे, तो इन्होंने भी बहुत बड़ी जगह में या बहुत देशों पर अपना कब्जा किया और वहाँ पर शासन किया। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने तीनों को हराकर, यानी कि पुर्तगीज, डच और फ्रेंच गवर्नमेंट, इन तीनों देशों को हराकर इनको भारत की मार्केट से बाहर किया, यहाँ पर व्यापार पर एकाधिकार किया। और इसके बाद फिर धीरे धीरे ये व्यापारिक गतिविधियों से हटते हुए ये राजनीतिक सत्ता पर स्थापित हो गए। फिर राजनीतिक सत्ता पर स्थापित होने के बाद, ये सारी क्रोनोलॉजी है, इस क्रोनोलॉजी से अगर आप पढ़ेंगे, इस क्रोनोलॉजी से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी, दूसरी चीज़ ये यही क्रोनोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो याद रखने में भी, रिटेन करने में भी आसानी होती है, और यही हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी घटना कब हुई। अगर आपको डायरेक्ट घटनाएं पढ़ेंगे, जैसे कि अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट की बुक जो आती है वो हर सब्जेक्ट के लिए आती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसको याद रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हालांकि उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए होंगे। इसीलिए आपको वहाँ पर परेशानी इसीलिए होगी क्योंकि वहाँ आपको एक कहानी के तौर पर, जैसे स्पेक्ट्रम है या अदर रेफरेंस बुक्स होती हैं, उसमें किसी भी चीज़ को कहानी के तौर पर बताया जाता है, उसी में बीच बीच में आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई होती है, और फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जुड़ी होती है। तो उसको कहानी के तौर पर पढ़ते हुए याद रखना ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि लूसेंट को याद रखने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। अगर आप उसको 10 बार पढ़ेंगे तो शायद आपको 10 फैक्ट 10 बार पढ़ने पर शायद दो ही आप रिटेन कर पाएँ, यानी कि आपको आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकेंगे। हालांकि इन दो फैक्ट्स को भी आप दो लॉन्ग टर्म पर तक याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन वहीं आप स्पेक्ट्रम को अगर 3 से 4 बार पढ़ लेंगे या 5 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको एकदम टिप पर हो जाएगी, याद हो जाएगी। या कोई भी रेफरेंस बुक्स, चाहे वो माजिद हुसैन हो ज्योग्राफी की या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट की बुक हो, कोई भी बुक, तो आपको वो रिटेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम अपना यहाँ थे कि क्रोनोलॉजी हम देख रहे थे, राजनीतिक सत्ता के रूप में अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं। अब राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित होने के बाद इनका अगला जो कदम होता है वो बंगाल होता है। इनका अगला निशाना बंगाल, क्यों? जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, बंगाल सबसे ज़्यादा कि व्यापारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व था। व्यापार जिसने जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हमारी देश की तरफ आकर्षित हुई, उनके आकर्षण का केंद्र क्या था यहाँ का व्यापार, और व्यापार कहाँ पर था? व्यापार सबसे ज़्यादा बंगाल में था। बंगाल व्यापारिक तौर पर सब गतिविधियों में सबसे ज़्यादा संलिप्त था, सबसे बड़ा ये व्यापारिक हब था, व्यापारिक केंद्र था। आपने देखा था कि जैसे आज भारत में चाइना की वस्तुएं बाजार में यहाँ की भरी हुई होती हैं, 70 से 80% तक चाइना की वस्तुएं भरी हुई होती हैं। इसी तरह कोई एक टाइम था 17वीं 18वीं शताब्दी का, कि उस समय भारत की वस्तुओं से यूरोप का बाजार भरा हुआ होता था, एशिया की वस्तुओं से यूरोपीय बाजार भरे हुए होते थे, और एशिया में भी 80% सिर्फ भारत से होती थी, और उस 80% का 60% सिर्फ बंगाल से होता था। यहाँ की हथकरघा, यहाँ के बुनकर, यहाँ का कच्चा माल, यहाँ का कपास, यहाँ का जूट,
यहाँ का रेशम, यहाँ की चाय, यहाँ के मसाले, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने या यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूँ कहा जाए कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने नौसेना को मजबूत करने के बाद, नौसेना को मजबूत करने के बाद सबसे पहले भारत की तरफ रुख किया, यानी कि एशियन कंट्रीज़ की तरफ रुख किया, ना कि अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ। अमेरिका में तो वो बहुत बाद में गए, अमेरिका में तो उन्होंने बहुत बाद में कॉलोनियाँ बनाई हैं, सबसे पहले उन्होंने कॉलोनीज़ एशिया में ही बनाई हैं, क्योंकि एशिया में व्यापारिक एग्रीकल्चर ही एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, और एग्रीकल्चर के एतबार से, एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया बहुत ज़्यादा समृद्ध कॉन्टिनेंट था, बहुत ज़्यादा समृद्ध कॉन्टिनेंट था ये। तो अब इसमें ये होता है कि इसके बाद फिर जब वो व्यापारिक सत्ता से, व्यापारिक गतिविधियों से सीधे राजनीतिक सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर हल्के हल्के क्षेत्रीय राजाओं को तोड़ना। जैसे कि आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, हमने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, क्योंकि औरंगजेब ने सत्ता का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण कर रखा था, तो इनके केंद्रीकरण की वजह से ज़्यादातर जितने भी मुगल साम्राज्य के अधीन जितने भी राजा थे और जितने भी सूबेदार इनके अंडर आते थे, जो अलग अलग साम्राज्यों पर यहाँ पर एक तरह से एजेंट के रूप में कार्य करते थे। जैसे कि आप आज देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किसे किया जाता है, हर राज्य में एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो ये क्या करते हैं काम, राज्य गवर्नर हालांकि संवैधानिक पद है, लेकिन ये आज ये देखा जाता है कि ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जहां चाहती है गवर्नमेंट। जैसे ही आप देखेंगे कि केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन होगा, केंद्र में सत्ता का जब परिवर्तन होगा, तो ज़्यादातर राज्यों में जहां पर केंद्र सरकार, केंद्र में जो पार्टी सत्ता में आएगी, उसी पार्टी के चहेते लोग गवर्नर के तौर पर अलग अलग राज्यों में, स्पेशली ऐसे राज्यों में नियुक्त कर दिए जाएंगे जहां पर कोई दूसरी गवर्नमेंट हो। मान लीजिए यहां केंद्र में एनडीए आ गई है, तो एनडीए के ज़्यादातर चहेते गवर्नर जो होंगे वो ऐसे राज्यों में उनकी नियुक्ति की जाएगी जहाँ पर एनडीए के अलावा कोई और गवर्नमेंट सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे टीएमसी हो, तो अपनी अपनी पसंद के गवर्नरों को नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह ये एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और एक तरह से केंद्र इन गवर्नर के थ्रू राज्य की गतिविधियों पर निगरानी रखता है। इसी तरह औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब गवर्नरों को जो नियुक्त करते थे, या एजेंट के तौर पर सूबेदार या जमींदारों को जो नियुक्त किया जाता था, या फिर एलीट क्लास जो होता था, कुलीन जो होते थे वहाँ के, उनको जो नियुक्त किया जाता था, तो वो क्या करते थे, यहाँ से राजस्व वसूल करते थे और यहाँ की सारी प्रशासन व्यवस्था को देखते थे। तो प्रशासन व्यवस्था देखते देखते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा केंद्रीकरण था, हर चीज़ की रिपोर्ट देना, तो हल्के हल्के ऐसे शासक से जिसके पास सत्ता का केंद्रीकरण हो, ऐसे शासक से उसी के अपने ही जो मंत्री होते हैं, या उनके अपने ही जो इनके राज्य के, इनके अधीन कार्य करने वाले जितना भी पूरा गुट होता है, वो हल्के हल्के एक समय ऐसा आता है कि जब वो इनके खिलाफ हो जाते हैं, इनके विरुद्ध हो जाते हैं, उनकी गतिविधियां इनको बुरी लगने लगती हैं। तो यही औरंगजेब के शासनकाल में था, लेकिन वो औरंगजेब के सिरे वो इतने सख्त रूलर थे कि इसकी, इनकी वजह से ये अब लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो सारी जगह पर जहाँ जहाँ सूबेदार या एलीट क्लास को नियुक्त किया जाता था, उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब जब स्वतंत्र घोषित करने के बाद सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो क्षेत्रीय राजा थे, क्षेत्रीय राजाओं को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और इनको तरह तरह से लालच देना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने डायरेक्ट मुगल बादशाह से, जो कि अवध और आगरा में रहते थे, आगरा के मुगल बादशाह से, क्योंकि औरंगजेब, हालांकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सत्ता के अपने प्रतिनिधि के रूप में जितने भी क्षेत्रीय राजा थे, वो मुगल बादशाह को ही अपना प्रतिनिधि मानते थे। हालांकि सारी सब जगह जो सत्ता थी क्षेत्रीय राजाओं के पास थी, और क्षेत्रीय राजा अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य चलाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने प्रतिनिधि के रूप में मुगल बादशाह को यहाँ पर माना जाता था। जितने भी सिक्के, जितने भी जो करेंसी चलती थी, वो भी मुगल बादशाह के नाम पर ही चलती थी। तो एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पर इन सब ने अपना मान रखा था इनको, चाहे वो कोई से भी हो, राजपूत हो, चाहे वो मराठा हो, जितने भी क्षेत्रीय राजा थे वो, चाहे सिख राजा हो, तो सभी मुगल बादशाह को अपना मेन प्रतिनिधि मानते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो आगरा के मुगल बादशाह से बंगाल में पहले छूट प्रदान प्राप्त की, किस लिए, कर से मुक्ति प्राप्त की, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर कि वो जो गतिविधियां बंगाल में करेंगे, उस पर कोई उन्हें कर ना देना पड़े। उन्होंने जैसे भी करके बहला फुसलाकर या अपनी कूटनीति के जरिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू उन्होंने यहां से इनसे टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति प्रदान की प्राप्त की। अब टैक्स फ्री या व्यापार की अनुमति प्राप्त तो कर ली मुगल बादशाह से, अब उसके बाद इन्होंने दो काम किए, एक बंगाल के अंदर
ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री अनुमति प्रदान की गई थी। तो अब बंगाल के अंदर जितनी गतिविधियां को करने की अनुमति थी जिस पर टैक्स नहीं ले सकते थे बंगाल के बादशाह जो कि उस टाइम मुर्शिद कुली खां थे, वो अब इनसे टैक्स नहीं ले सकते थे। अब इससे दो इनके दिक्कतें हुई, एक दिक्कत तो ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिना टैक्स दिए सारे व्यापार गतिविधियां कर सकती थी। दूसरी दिक्कत यह हुई कि अंग्रेजों ने अपनी इस ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में डायरेक्टली निजी तौर पर भी यानी कि प्राइवेट तौर पर भी यानी जैसे कि कोई इनका एजेंट होता था या कोई इनका वाइसराय या गवर्नर होता था इस ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसने अलग से भी अपनी सेपरेट एक बिजनेस शुरू कर दिया यानी कि कहीं मीडिएशन का बिजनेस यानी कि अगर वस्तुओं में दलाली करना शुरू कर दी या डायरेक्ट वस्तुएं सेल परचेस करना शुरू कर दी और उसमें भी उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में जितने भी इसके एम्प्लॉय थे उन्होंने ज़्यादातर ने अपना साइड से इसी के आड़ में बिजनेस शुरू किया अपना प्राइवेट बिजनेस और उसमें भी टैक्स देने से मना करने लगे, जबकि टैक्स की छूट ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। उससे इनको दोहरा नुकसान हुआ मुर्शिद कुली खां को। अब यहाँ का बंगाल का रेवेन्यू, क्योंकि बंगाल का सारा खर्चा तो बंगाल के रेवेन्यू से ही चला रहे हैं मुर्शिद कुली खां, अब यहाँ का रेवेन्यू इनको कम पड़ रहा है, तो रेवेन्यू कम पड़ने की वजह से इनको ईस्ट इंडिया कंपनी से आज दिन मुठभेड़ होती रहती थी। तो अब हल्के हल्के इन्होंने इन पर कब्जा करना शुरू किया, जैसे कि हमने देखा प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के बाद उन्होंने सारी सत्ता ही अपने हाथ में ले ली। और मुगल बादशाह ने भी अवध से मुगल बादशाह ने क्या किया कि जब देखा कि ये ताकत बड़ी है तो इन्हीं को ही सत्ता दे दिया जाए, इन्हीं को ही राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाए, यानी कि अब इनको दीवानी जो अधिकार थे वो भी प्राप्त होगा। दीवानी अधिकार क्या, कौन से अधिकार होते थे? दीवानी अधिकार होते थे राजस्व वसूलने के अधिकार, राजस्व वसूलने के भी अधिकार हो गए, प्राप्त हो गए। और साथ ही इनको अंग्रेजों को क्या दे दिया गया, जब इन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया मीर जाफर के बाद, मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में जब हरा दिया इन्होंने, तो उसके बाद इन्हें निजामत अधिकार भी प्राप्त हो गए। तो बक्सर के युद्ध के बाद इनको निजामत अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। अब जब निजामत अधिकार प्राप्त हो गए यानी कि इनको राजस्व वसूलने का भी अधिकार मुगल बादशाह से मिल गया और साथ ही इनको प्रशासन देखने का भी अधिकार मुगल बादशाह से मिल गया। अब बंगाल के होल सोल अथॉरिटी कौन हो गए? अंग्रेज। अब इन्होंने बंगाल की होल सोल अथॉरिटी बनने के बाद अब इन्होंने अपना रुख और अलग क्षेत्रों की तरफ किया, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि उस समय सबसे बड़ी ताकत कौन थे, सबसे बड़ी ताकत थे मैसूर या फिर मराठा। सबसे पहले तो मैसूर सबसे बड़ी ताकत थी, बंगाल के बाद सबसे बड़ा जो साम्राज्य था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था मुगलों के बाद वो या तो मैसूर था या फिर मराठा थे। लेकिन मराठाओं के अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि मराठा यूनिफाइड नहीं थे, उनमें यूनिटी नहीं थी। तो उसका सबसे बड़ा लाभ मराठों की यूनिफाइड नहीं होने का सबसे बड़ा लाभ अंग्रेज़ों को मिला। यहाँ से मैसूर राज्य की, अब सबसे पहले हमने देखा था कि मैसूर से चार युद्ध हुए, सबसे पहले तो अंग्रेज़ों के मैसूर से चार युद्ध हुए, आंगल मैसूर जो युद्ध हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, हमने कहाँ तक देख लिया था? आंगल मैसूर युद्ध तक हमने देख लिया था। किस तरह आंगल से सबसे मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1700 सबसे पहले जो हमारा पहला युद्ध हुआ था वो मैसूर से हुआ था और मैसूर में 1782 में सबसे पहला युद्ध हुआ था और 1782 में टीपू सुल्तान की जगह हैदर अली, सबसे पहले हैदर अली से युद्ध हुआ और दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1768 से, सॉरी शुरू हुए थे 1768 से, 1768 से 1772 तक शायद था पहला युद्ध। उसके बाद इसी तरह 1780 से 82 था, उसी दूसरे युद्ध में, दूसरे युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने ही इनके बेटे ने टीपू सुल्तान ने युद्ध को आगे बढ़ाया 1790-91 में तीसरा युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो अब इनका रुख इसके बाद ये सारा हमने प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हमने देख लिया था। इसके बाद हम आज से हम कवर करेंगे आंगल मराठा संघर्ष, जो हमारे जितने भी संघर्ष मराठाओं से हुए अंग्रेज़ों के वो हम देखेंगे एक एक करके। तो अगर आप क्रोनोलॉजी के, जैसे हमने आपको बताया था, अगर आप क्रोनोलॉजी के तौर पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी, याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सारी क्रोनोलॉजी देखते हुए चलेंगे तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए एक तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप कहानी के तौर पर पढ़ सकते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि कहानी के साथ साथ आपको याद रखने में भी आसानी होगी और एक कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। तो अब मराठाओं से जो संघर्ष होता है, मराठाओं से अंग्रेज़ों के तीन युद्ध होते हैं 19वीं शताब्दी वर्षों में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए तीन बार लड़ाइयाँ हुई जिसमें अंग्रेज़ अंतिम रूप से विजय हो गए। तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ सब जगह विजय अंग्रेज़ों की ही हुई है, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर कमोबेश अंग्रेज़ों की ही विजय हुई। अब जिस तरह उत्तरकालीन मुगल शासकों की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर, उत्तरकालीन कौन से होते हैं? बाद के मुगल शासक, और बाद के मुगल शासक कौन से? औरंगज़ेब के बाद के
जितने भी मुगल शासक थे उनकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिल्ली पर पकड़ बनाने का प्रयत्न शुरू किया। अब जब देखा मराठों ने कि मुगल बादशाह की स्थिति कमजोर हो गई है तो उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जो मैसूर था, मैसूर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर को बांट दिया था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में, और यहाँ पर वोडियार वंश के शासन का दोबारा स्थापित कर दिया था। तो इसलिए मराठों का ध्यान यहाँ से हट गया था और मराठों को पहले ही 5 गुटों में तोड़ा जा चुका था। मराठों को कई जो उनको 5 क्षेत्रीय गुटों में तोड़ दिया था हमारा, क्योंकि पहले ही वो यूनिफाइड नहीं थे। यूनिफाइड इसी चीज़ का लाभ अंग्रेज़ों ने और फ्रेंच गवर्नमेंट ने उठाया, तो उन्होंने क्या किया, मराठाओं को 5 अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों में तोड़ दिया, उनकी अलग अलग स्वतंत्र रियासतों में उनको अलग कर दिया, जैसे कि भोसले थे और इसी तरह पेशवा थे, पेशवा इसी तरह गायकवाड़ थे, इसी तरह आपके होलकर थे। तो ये इन सभी को अलग अलग तोड़कर उन्होंने अलग कर दिया। अब सर्वोच्च शक्ति के रूप में अंग्रेज़ भी उभरना चाहते थे, इससे दोनों शक्तियों में टकराव की स्थिति बनी गई। क्यों? अंग्रेज़ दिल्ली पर कब्जा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उस टाइम रूस एक बहुत शक्तिशाली और उभरता हुआ देश था, और साथ ही इससे ज़्यादा खतरनाक थे उत्तर पश्चिम से आने वाले अफगानी और ईरानी। इस टाइम यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहमद शाह अब्दाली का खतरा रहता था, अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज का सबसे ज़्यादा खतरा था। तो इसलिए इनका ध्यान सबसे पहले अंग्रेज़ों का ध्यान अपने बंगाल को, यानी कि जितना भी इनका अंडर जितना भी भारत का एरिया आता था बंगाल से लेकर अवध तक का, यहाँ सब ये अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए थे। इसलिए चाहते थे कि जितनी भी जो ये देशी क्षेत्रीय राजा हैं, रियासतें हैं, या तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ, इस पर हमारा कंट्रोल हो जाए, या फिर डायरेक्टली हमारी सर्वोच्चता को ये अपना अपने आप को हमारे अधीन मान लें, ताकि ये अंग्रेज़ अपना एक रेजिडेंट, जैसे कि आज केंद्र सरकार अपना एक एजेंट गवर्नर के तौर पर स्टेट में नियुक्त करती है, इसी तरह अंग्रेज़ चाहते थे। और अंग्रेज़ों ने यही किया भी, या तो डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया या फिर उन्हें हराकर संधि कर ली, और संधि के बाद अपना एक अंग्रेज़ रेजिडेंट उनके राज्य में नियुक्त कर दिया ताकि उनकी सारी गतिविधियों का पता चलता रहे। तो सबसे पहले प्रथम आंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो इसमें माधव राव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार हुआ। यानी कि माधव राव और इनके भाई जो थे रघुनाथ राव, माधव राव की मृत्यु के बाद उनका बेटा नारायण राव पेशवा बनना चाहता था, लेकिन इनके चाचा जो थे रघुनाथ राव यानी कि माधव राव के भाई, इन्होंने इसको षड्यंत्रों में फंसा कर ये मर गया, नारायण राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद रघुनाथ राव पेशवा बना, लेकिन नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरने के बाद उनकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर नाना फडणवीस ने इनकी विधवा को, माधव राव की विधवा यानी कि नारायण राव की माँ से का जो दत्तक पुत्र था गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र, सॉरी दत्तक पुत्र नहीं था, इन्हीं का अपना बेटा यानी कि इनके दूसरे भाई को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया। अब पेशवा का पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने के बाद रघुनाथ राव ने अब इसने क्या किया, अंग्रेज़ों से सूरत की संधि 1775 में कर ली। अब यही अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा चांस होता था। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भारत में जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे वो आपस में ही एक दूसरे से यूनिफाइड नहीं थे, और उसमें मराठा तो बिल्कुल ही यूनिफाइड नहीं थे। तो क्या होता था, इस चीज़ का लाभ अंग्रेज़ों को मिलता था, क्योंकि अगर एक दूसरे से लड़ाई में हार जाता था तो वो क्या करता था, हारने वाला अंग्रेज़ों के साथ गठबंधन कर लेता था। और यही रघुनाथ राव ने भी किया, रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों के साथ सूरत की संधि 1775 में कर ली ताकि वो अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बन जाए। अब रघुनाथ राव और अंग्रेज़ एक तरफ और नाना फडणवीस और गंगाबाई से पुत्र पेशवा दूसरी साइड, तो इसी तरह एक अलग अलग गुट बन जाते थे। अब 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। अब दूसरी तरफ नाना फडणवीस ने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज़ जो है रघुनाथ राव की तरफ हो गए थे, रघुनाथ राव की तरफ, तो नाना फडणवीस ने फ्रेंच गवर्नमेंट को अपने साथ ले लिया। तो अंग्रेज़ों ने प्रतिक्रिया स्वरूप पुणे में सेना भेजी और मराठाओं और अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हुआ। मराठाओं का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया। अंग्रेज़ों ने जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण करके वडगांव की संधि की, जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेज़ों द्वारा 1775 से हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि 1775 के बाद संधि में जितने भी क्षेत्र अंग्रेज़ों ने हासिल किए थे सभी को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। अब इसमें इसके बाद जो पहला आंगल मराठा युद्ध हुआ उसमें, उसके बाद 1782 में सालबाई की संधि हुई। ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1775 में पहला मराठा, 1775 से 1782 पहला आंगल मराठा युद्ध, और 1782 में पहला आंगल मराठा युद्ध किस पर ख़त्म हुआ, सालबाई की संधि। तो इसके पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेज़ों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की। इसमें युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता देने
प्रदान करना और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करना इस संधि की शर्तें थी। फिर मई 1782 में हुई संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसको जून 1782 में हेस्टिंग्स द्वारा, अब नया वारेन हेस्टिंग्स जो आए थे गवर्नर बन के, उन्होंने फरवरी 1753 में फडणवीस द्वारा इसकी पुष्टि की गई और हेस्टिंग्स द्वारा पुष्टि की गई और फरवरी 1753 में फडणवीस द्वारा इसकी पुष्टि की गई। अब इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए। दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही गई और इस प्रकार युद्ध का अंत हुआ। लेकिन आगे होता क्या है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है 1803-1805 में, यानी कि ठीक 20 साल बाद। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में आए लॉर्ड वेलेजली इसके फ्रांसीसियों को रोकने के प्रयासों के कारण हुआ। इसमें क्या होता है, मराठा राजनीतिक वरिष्ठ राजनीतिकार नाना फडणवीस की मार्च 1800 में मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के साथ ही वेलेजली के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रतिरोध का भी समय हो गया, यानी कि दो तरफा कार्रवाई हुई। एक तो 20 साल का समय पूरा हो गया, क्योंकि पहले सालबाई की संधि में 20 साल तक आपस में ना लड़ने के लिए एक वादा किया गया था, लेकिन अब यहाँ 20 साल भी हो गए। साथ ही साथ यहाँ सबसे बड़े जो डिप्लोमेट थे, यानी कि नाना फडणवीस सबसे बड़े जो डिप्लोमेट थे इस संधि के बाद के, वो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अब अंग्रेज़ों के पास पूरा एकदम मौका मिल जाता है ना। 1801 में पेशवा ने जसवंत होलकर के भाई विट्ठल जी की हत्या कर दी और होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। इसमें बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसिन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बाजीराव द्वितीय, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि सबसे पहले जो पेशवा बने थे वो कौन बना था, बालाजी विश्वनाथ, उनके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद उनका बेटा पेशवा बना है। इसी तरह ये क्रम से क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद होती है बेसिन की संधि, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बेसिन की संधि होती है। इस संधि की क्या शर्तें थी, पहला अंग्रेज संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखने का अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने संरक्षण स्वीकार कर लिया और भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखने का अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरा गुजरात ताप्ती तथा नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश से गुजरात की तरफ, और यही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इंडिया की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये क्या बनाती है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। तुंगभद्रा नदी पर के सभी तटवर्ती समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपये थी पेशवा ने कंपनी को दे दिए। तीसरा है कंपनी को सूरत दे दिया गया। और चौथा निजाम से चौथ प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया। निजाम ने अपना जो चौथ प्राप्त करने का, चौथ क्या था, सरदेशमुखी और चौथ, आपने अगर देखा होगा पढ़ा होगा सरदेशमुखी और चौथ क्या थे और कितना कितना परसेंट दिया जाता था, 25% और 10%, किस कौन सा 10% था कौन सा 25%, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इसमें है होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक। तो बेसिन की संधि, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किससे हुई, बेसिन की संधि से। और बेसिन की संधि कब हुई, 1802 में संधि हुई। और इससे पहले कौन सी संधि हुई थी, 1782 में सालबाई की संधि। सालबाई संधि किसका परिणाम थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पर खत्म हुआ था, सालबाई की संधि से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि से 1802 में। अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, यही तीसरा और आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध था 1817 से 1819। अब इसमें आंग्ल मराठा टकराव जो था तृतीय और अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर शुरू हुआ। इस अभियान के दौरान हेस्टिंग्स ने पेशवा सिंधिया तथा भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया। अभी पेशवा कौन थे, ये भी मराठा थे, ये मराठाओं के अलग अलग क्षेत्रीय गुट थे। सिंधिया भी मराठा थे। सिंधिया कहाँ पाए जाते थे, मध्य प्रदेश में। भोसले कहाँ पाए जाते थे, महाराष्ट्र में, ये आज का महाराष्ट्र है। इसी तरह एक कौन से थे, होलकर, और एक पांचवें एक और थे, एक होलकर थे, एक सिंधिया, एक भोसले, एक गायकवाड़, ये सब मराठा कास्ट हैं, ये आज भी पाई जाती हैं भारत में। फिर दौलतराव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब तथा मल्लावराव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा की। बाजीराव द्वितीय का पूना का प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया। इसके बाद पंजाब विलय। अब यहाँ पर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। अब इसमें कोई संधि नहीं होती, इसमें डायरेक्ट अंग्रेजों की जीत होती है। अब अंग्रेज मराठाओं को एक जगह समेट देते हैं। अब जितना भी मराठा प्रदेश थे वो सारे अंग्रेजों के या तो डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाते हैं, या फिर अंग्रेजों से संधि करने के बाद वह मराठा राज्यों में जितने भी मराठा शक्ति के अंतर्गत राज्य थे वो वहाँ पर वो सारे अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं और अंग्रेज़ वहाँ पर अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर देते हैं। हर संधि के बाद यही किया गया है कि अंग्रेज़ों ने अपना या तो वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित किया है या फिर अपना एक रेजिडेंट वहाँ पर नियुक्त कर दिया। अब आती है पंजाब की बारी। क्यों, अब देखिए जैसे कि आप भारत का मैप देखेंगे, इंडिया का जैसे कि आप मैप देखेंगे कुछ ऐसा है रफ, अगर थोड़ा
तो अगर आप ये कुछ मैप देखेंगे तो वो बंगाल से, अंग्रेज़ यहाँ से बंगाल से चलते हुए इस तरफ क्यों बढ़ रहे थे? क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो थे यहाँ पर, ये कि यहाँ से तो कोई डर नहीं था क्योंकि ये सारा पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ से रूस की सेनाओं का आने का कोई डर नहीं था। रूस की सेनाएं कहाँ से आती थी? घूमकर अफगानिस्तान के ईरान के रास्ते। तो सबसे बड़ा एक तो डर था अफगान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली का, सबसे बड़ा डर तो अहमद शाह अब्दाली का था। और उसके बाद यहाँ ईरान का जो राज्य था, ईरान के राज्य से सबसे बड़ा डर अंग्रेज़ी हुकूमत को भारत में था, ताकि इनकी जो व्यापार है और इनके एकाधिकार को यहाँ पर कोई चुनौती ना दे, क्योंकि सारी जो यूरोपीय ताकतें थी उनको तो यहाँ से इन्होंने हटा दिया था। अब बचे थे जितने भी जो यहाँ पर अदर जो हुकूमतें थी, अदर जो शासन थे, उनके आने का सबसे ज़्यादा इनको उत्तर पश्चिम से सबसे ज़्यादा डर होता था। अब यहाँ पर पंजाब की तरफ ये अपना ध्यान बढ़ाते हैं। इसमें गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो खालसा दल की नींव किसने डाली थी? कपूर सिंह कहाँ के थे? फैजुल्लापुर के। अब 1773 ईस्वी में सिखों ने इसके 1773 के अंत तक पंजाब के समस्त मैदानी भाग और पूर्व में सहारनपुर वेस्ट यूपी का हिस्सा है, यहाँ से सहारनपुर से पश्चिम में अटक तक तथा उत्तर में पहाड़ी भाग से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। मुल्तान पंजाब में, और ये पंजाब कौन सा पंजाब था? ये पाकिस्तान का पंजाब था। परंतु सिखों में शासकीय इकाई का अभाव था, बिल्कुल जैसे मराठाओं में इकाइयों का अभाव था, जैसे वो अलग अलग बटे हुए थे, जैसे गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया, पेशवा पूना में पाए जाते थे। तो इस तरह इसमें सिखों में शासकीय इकाई का अभाव था। ये भी 12 मिसलों में बटे हुए थे। इसमें कौन कौन सी थी? सुकर चाकिया, निहंग, इस तरह की 12 मिसलें थी। तो सुकर चाकिया मिसल के प्रमुख थे रणजीत सिंह। इन्होंने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। तो रणजीत सिंह है। तो रणजीत सिंह के समय 12 सिख मिसलें थी, आलूवालिया, भांगी, डलवालिया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, करोड़ा सिंहिया, नकाई, निहांग, निशानवाला, फुलकिया, रामगढ़िया है, और सुकर चाकिया। रणजीत सिंह सुकर चाकिया मिसल के थे। 1799 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया। अफगानिस्तान के जो शासक थे जमान शाह, इन्होंने ही रणजीत सिंह को यहाँ का प्रांतीय शासक का, क्योंकि ये जो इधर का हिस्सा था, मुल्तान का हिस्सा, पाकिस्तान उस समय का जो आज का जो पाकिस्तान है, उस समय का जो हिस्सा था जो रणजीत सिंह के अंतर्गत था, वो डायरेक्टली रणजीत सिंह पर उसका कंट्रोल नहीं था, उसको रणजीत सिंह को दिया गया था। वो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने अपना गवर्नर बनाकर या प्रांतीय शासक बनाकर यहाँ नियुक्त किया था। हालांकि ये डायरेक्टली जो इनका कंट्रोल था वो रणजीत सिंह का था, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर अफगानिस्तान के शासक का था। तो इसलिए रणजीत सिंह पर हमला करने का मतलब ये था कि अफगानिस्तान की सत्ता पर हमला करना। अब 1805 तक रणजीत सिंह ने अमृतसर और जम्मू पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। मराठाओं के बाद सबसे बड़ी जो ताकत थे भारत में वो सिर्फ सिखों में रणजीत सिंह थे, यानी कि सिखों में सबसे बड़ी ताकत रणजीत सिंह। औरंगजेब के बाद मराठाओं की औरंगजेब के बाद मुगलों की शासक तो सत्ता तो खत्म हो गई, यानी कि मुगलों की जो ताकत थी वो तो टूट गई थी, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरे मराठा। उनमें कमी क्या थी? उनमें अभाव, एकता का अभाव था, एकता की कमी थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से जीत लिया। अब इस मराठाओं के पास सबसे बड़ी ताकत थे सिख, और सिखों में सिर्फ एक, वो कौन? रणजीत सिंह। इसलिए रणजीत सिंह के बाद, जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा करने के लिए 5 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली। अब हालांकि बहाना तो ये था फ्रांस और रूस से रक्षा करना भारत की, लेकिन सबसे बड़ा इनके लिए खतरा ये था कि अगर ये डायरेक्टली रणजीत सिंह पर हमला कर दें या पंजाब को विलय करने की साम्राज्य में अपनी कोशिश करें, तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बन जाते? रूस और सबसे पहले अफगानिस्तान। क्यों? अब जैसे कि हमने आपको बताया कि रणजीत सिंह को यह राज्य दिया गया था अफगानिस्तान के शासक जमान शाह द्वारा। अब जमान शाह पर की सत्ता पर ही, इसकी संप्रभुता पर ही चुनौती हो जाती अगर अंग्रेज़ रणजीत सिंह पर हमला कर देते। इसलिए उन्होंने सीधा उससे संधि कर ली कि सतलज नदी दोनों के बीच के राज्य की सीमा मानी जाएगी। अब जैसे कि ये भारत का मैप का ऊपर का हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर हमारा पंजाब तक का अगर हिस्सा है, तो इसमें कौन कौन सी? पहले सिंधु है, फिर आपकी आती है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, और फिर ये सतलज। सबसे लास्ट में कौन सी है? सतलज। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो सतलज जो नदी आती है वो इसकी सीमा मान ली गई, यानी कि सतलज से पश्चिम का हिस्सा सारा पंजाब का हो गया, रणजीत सिंह का हिस्सा, और इससे पूर्व का ये अंग्रेजों का हिस्सा हो गया। अब इसमें दोनों को, किसी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। 1823 तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार करते रहे, यानी कि ये अंग्रेज जो रणजीत सिंह थे वो यहाँ उत्तर में, इसके पश्चिम में और उत्तर में अपना राज्य विस्तार करते रहे, और
और अंग्रेज जो थे ये इस सतलज के पूर्व में अपना राज्य विस्तार करते रहे। अब इसमें रणजीत सिंह द्वारा विजित प्रदेश कौन से थे? कांगड़ा, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, इन सब पर 1811, 1813, फिर 1811, 1819, 1823, इसको भी क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो इस पर इन्होंने अपने अधिकार कर लिए, हालांकि इतने फैक्चुअल यूपीएससी पूछती नहीं है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और इसके फलस्वरूप 1845 से 49 के 4 वर्षों के अल्प समय अंतराल में सिखों को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो ताकत थे सिखों में वो सिर्फ रणजीत सिंह ही थे, और रणजीत सिंह के मृत्यु होते ही उन्होंने सारी संधियों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों को पूरा मौका मिल गया यहाँ पर पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित करने का, जिससे उनका स्वतंत्र राज्य अस्तित्व विहीन हो गया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 से 46 में। इसमें पंजाब की सेना अपने अल्प वयस्क राजा दलीप सिंह और उसकी संरक्षिका जिंदा कौर से बलात् राजाज्ञा लेकर, बलात् राजाज्ञा कौन सी होती? बलात् यानी कि जबर जबरन जबरन आज्ञा लेकर सतलज, जो कि सिख व कंपनी राज्य की सीमा मान ली गई थी, रणजीत सिंह के समय इसके पार आक्रमण कर दिया। यानी कि सतलज के पूर्व में जाकर दलीप सिंह ने और उसकी संरक्षिका जो थी जिंदा कौर, इससे ज़बरदस्ती जो पंजाब की सेना थी उसने जबरन आज्ञा लेकर इन्होंने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। इसमें बुद्ध की 18 दिसंबर फिरोज शाह, ये सारे 1845 का घटना है। 1845 18 दिसंबर 1845, 21 से 22 दिसंबर, फिर 18 जनवरी, 28 जनवरी 1846 को आलीवाल, और सुबहान 10 फरवरी, इन 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई और सिखों को लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। यानी कि इन 2 महीने में 3 महीने में 4 अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ये पूरी लड़ाई क्या कहलाती है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सॉरी आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इन चारों लड़ाइयों को ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। इसमें इसके बाद इन्हें लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। अब इस लाहौर संधि के क्या प्रावधान थे? ये 1846 में हुई। इसमें पहला तो ये था कि आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति 18 मार्च 1846 में लाहौर की संधि से हुई। संधि के प्रावधानों के तहत राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश, सतलज तथा व्यास नदियों के दुआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान किए। यानी कि जितने भी दुर्ग थे और इसके दक्षिण के, सतलज के दक्षिण के जो प्रदेश थे जो अभी तक इनके अंडर में थे सिखों के, वो सब अंग्रेज़ों को दे दिए गए। फिर सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अब अंग्रेज़ों ने सिखों की संख्या की सीमित कर दी, निश्चित कर दी। अंग्रेजी सेना को पंजाब में निमित रूप से विचरण का अधिकार मिला। अब अंग्रेजी सेना बिना किसी परमिशन के, जो जितना भी पंजाब का राज्य था यानी कि सतलज से जितना भी पश्चिम का राज्य था, वहाँ पर बिना किसी परमिशन के अपनी सेना का के उसकी अंग्रेज की अंग्रेज़ों की सेना गश्त लगा सकती थी। और ये भी निर्धारित हुआ कि पंजाब में अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी यूरोपियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। यानी कि जितने भी यूरोपीय यहाँ नौकरी करते थे पंजाब की सेना में, उन सभी को बिना परमिशन के या बिना इनकी आज्ञा के, अंग्रेज़ों की आज्ञा के, यहाँ नौकरी देने का अधिकार खत्म हो गया। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया गया और जिंदन उसकी संरक्षिका बनी और लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये सब अंग्रेज़ों ने किया। 12 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरोवाल की नई संधि की गई और अंग्रेज़ों ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब भैरोवाल की नई संधि जो हुई 12 दिसंबर 1846 को, इसमें अंग्रेज़ों ने पूरा इस यहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल अपना स्थापित कर लिया। सब कुछ अंग्रेज़ों के हिसाब से होने लगा। अब होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। अप्रैल 1848 ईस्वी में 2 अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या हो गई और आगे अनेक ऐसी घटनाएं, ये सारी घटनाएं पंजाब में हुई, क्योंकि पंजाब में इनकी सेना को अनुमति मिल गई थी बिना किसी परमिशन के अंदर जाने की अनुमति थी और यहाँ पर गश्त लगाने की पंजाब के राज्य में अनुमति थी। तो ऐसा होता है कि अप्रैल 1848 में 2 अंग्रेज़ अधिकारियों की को मृत्यु को वहाँ पर मार दिया जाता है पंजाब के लोगों के द्वारा। अब इसी तरह की कई घटनाएं बार बार हुई। तो 21 फरवरी 1849 को अंग्रेज़ों ने गुजरात युद्ध में सिखों को पहले बुरी तरह से पराजित किया, क्योंकि गुजरात भी सिखों के अंडर था। फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिकृत कर लिया। अब आप देखेंगे कि जैसे कि कई तरह से अंतर राज्यों को अधिकृत करने का सिलसिला शुरू होता है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप पढ़ेंगे, इसी तरह एक सब्सिडरी अलायंस पढ़ेंगे आप, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से वैभगत का सिद्धांत। तो इसी तरह से एक और है घेरे की रीति, रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग और फैंस, घेरे की नीति। ये सारा आप हल्के हल्के आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या किया गया, 1800 गुजरात युद्ध के बाद जब पंजाब लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश के अंतर्राज्य के अंतर्गत अधिकृत कर लिया, तो इसमें सिखों को कृपाण के अतिरिक्त किसी प्रकार के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया, जिसको अभी उन्होंने पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद महाराजा मान लिया था, अब उसको पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया। अब यहाँ पर होता है वॉरन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस की नीति, ये बेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की वैभगत सिद्धांत को उद्घृत कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वॉरन हेस्टिंग्स की रिंग ऑफ फेंस की नीति किसकी थी। वॉरन हेस्टिंग्स, ये वॉरन हेस्टिंग्स
और इनकी वाइफ वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर होती है आपकी वेलेजली की सहायक संधि संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस। और फिर आपकी तीसरी होती है डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों, किस में? इसके बाद अवध स्टेट को 1856 में डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था। अब घेरे की नीति जो थी उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के रूप में, सबसे पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए घेरे की नीति क्या थी और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी। इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जब ब्रिटिश, अंग्रेज, मराठा, मैसूर और हैदराबाद जैसी शक्तिशाली संयोग का सामना कर रहे थे, यानी कि एक तरफ मराठाओं से लड़ रहे थे, एक तरफ आपने देखा कि सालाबाई की संधि 1782 में हुई और 1782 में ही द्वितीय आंगल एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रही थी, यानी कि वो कई एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ आंगल मैसूर युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ आंगल मराठा युद्ध चल रहा था, एंग्लो मराठा वॉर चल रही थी और मराठाओं से ही 1782 में सालाबाई की संधि हुई है, यानी कि 1775 से 1782 तक पहला मराठा युद्ध चला और 1780 से 1782 तक द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध चला। आप देखेंगे कि एक ही समय में वो दो मोर्चे पर लड़ना है और हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके साथ अपनी डिप्लोमेटिक वार्तालाप चल ही रही थी, तो तीन जगह एक साथ लड़ रहे थे। तो इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। बफर जोन कैसे बनाते थे वो? वॉरेन हेस्टिंग्स की यह नीति मराठा और मैसूर के साथ उसके युद्ध में प्रतिबिंबित हुई। रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद रखने का भरोसा दिया गया। इस नीति का उद्देश्य यह था, इस नीति में ये कहा जाता था, ये इसलिए इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाता था दूसरे शासक को कि वो शासक अपने यहाँ अंग्रेज़ों की सेना रखेगा और अंग्रेज़ों की सेना तो रखेगा ही, साथ ही उस सेना का खर्चा वही शासक उठाएगा जिसके यहाँ अंग्रेज़ सेना रखी हुई है। यानी कि मान लीजिए कोई हैदराबाद का शासक है तो हैदराबाद के शासक को अंग्रेज़ों की सेना अपने यहाँ रखनी पड़ेगी अपनी सुरक्षा के लिए और इस अंग्रेज़ों की सेना का जो जितना भी खर्चा है वो सारा हैदराबाद का शासक ही उठाएगा। और इस तरह बफर जोन बना दिए जाते थे। अब हैदराबाद के चारों ओर एक बफर जोन बना दिया जाएगा, अंग्रेज़ी सेना इसके चारों तरफ एक किलेबंदी कर देगी जिससे आक्रमण की जो संभावना है वो कम हो जाए। अब इसमें वेलेजली की सहायक संधि की जो नीति थी यही रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी, यानी कि जो वेलेजली ने बाद में सहायक संधि जो शुरू की थी वो एक तरह से रिंग फेंस नीति का ही विस्तार थी। इसमें क्या होता है, सहायक संधि में ये एक प्रकार की मैत्री संधि थी, यानी कि ये एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। इसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया। तो इस संधि की क्या क्या विशेषताएं थी? पहली, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, यानी कि जितनी भी फॉरेन रिलेशन होंगे या फॉरेन अफेयर्स जो होंगे वो सब कंपनी की मर्जी के अधीन होंगे, यानी कि कंपनी चाहेगी तभी होंगे अदरवाइज नहीं होंगे। कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई भी भारतीय राज्य जैसे कि मैसूर राज्य बिना अपनी अंग्रेज़ों की मर्जी के किसी तरह का युद्ध नहीं करेगा और अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी, यानी कि अगर मैसूर को बंगाल से कोई भी किसी तरह का ट्रेड या किसी भी तरह की वार्तालाप करना है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या फिर प्राइवेट हो या फिर किसी भी तरह की वार्तालाप हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो, ट्रेड एंड कॉमर्स से, तो वो सारी की सारी वो सब कंपनी ही देखेगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखेगी उसे। दूसरा, बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बताया कि हर राज्य को अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना का खर्चा कौन उठाता था? वहाँ का शासक, जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी, यानी कि वो सेना चलेगी तो अंग्रेजों के हिसाब से, अंग्रेज अधिकारी के हिसाब से, लेकिन वो खर्चा कौन उठाएगा उसका? वहाँ का शासक, जिसको वो सुरक्षा प्रदान कर रही है, यद्यपि ये राज्य सेना का खर्च उठाएंगे। अब तीसरा, राज्यों को अपने राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। अब हर राज्य अपनी राजधानी में अंग्रेजी सेना तो रखेगा ही, साथ ही एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगा, यानी कि एक एजेंट होगा यहाँ पर। और रेजिडेंट कौन होगा? वो कहाँ बैठेगा? वो इनके दरबार में बैठेगा, यानी कि वो डेली की गतिविधियों पर भी नज़र रखेगा। चौथा, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे, यानी कि कोई भी यूरोपियन कंपनी, कोई भी अंग्रेज किसी भी यूरोपियन को, चाहे वो अंग्रेज ही क्यों ना हो, बिना अंग्रेजों की सहमति के अपने यहाँ नौकरी नहीं देंगे। पांचवा, इसका संधि की विशेषता थी, कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब उसने एक कंडीशन ये भी दे दी, ये तो हालांकि एक धुलमुल कंडीशन थी, इसका कोई मतलब नहीं था कि कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो ये तो इसका कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि जहां अंग्रेजों को मौका मिला उन्होंने सिर्फ हस्तक्षेप ही नहीं किया बल्कि सत्ता से ही उखाड़ फेंका, वहां पर कू कर दिया अंग्रेजों को, क्षेत्रीय राजाओं को सत्ता से ही हटा दिया। अब सहायक संधि के अंतर्गत जो क्षेत्र हासिल किए गए थे वो डलहौजी द्वारा कौन कौन से क्षेत्र, लॉर्ड वेलेजली ने कौन कौन से क्षेत्र हासिल किए थे? सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निज़ाम के क्षेत्र को हासिल किया, उसके बाद 1799 में मैसूर, फिर 1799 अक्टूबर में तंजौर, फिर अवध 1801 में इसके साथ सहायक संधि हुई अवध के साथ, पेशवा के साथ दिसंबर 1801 में, फिर
बराट के भोसले भोसले के साथ दिसंबर 1803 में, फिर उसके बाद फरवरी में फरवरी 1804 में सिंधिया के साथ, फिर जोधपुर जयपुर मछेरड़ी बूंदी, जोधपुर जयपुर तो आपको पता है, मछेरड़ी बूंदी ये सब और भरतपुर ये सारे राजस्थान के राज्य हैं, राजस्थान के शहर हैं, सारे राजस्थान में हैं। तो इनके साथ संधियाँ एक एक करके हुई, तो ये आपको क्रम भी याद रखना है क्योंकि ये स्टेट यू स्पेशली यूपी पीसीएस में पूछा, एक बार एक दो बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है इनकी क्रोनोलॉजी। अब आते हैं वैभगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसका था, लॉर्ड डलहौजी का। पहला वाला किसका था, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, और उससे पहले घेरे की नीति, सहायक संधि घेरे की नीति किसने शुरू की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अब होता है वैभगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति का प्रयोग 1848 से 56 में भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसे वैभगत का सिद्धांत या शांति को विलय की नीति, इसे विलय की नीति के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर हिंदी भाषी जो स्टूडेंट हैं वो इसे विलय की नीति के नाम से ही जानते हैं, विलय की नीति। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दी गई। डलहौजी के अनुसार भारत में तीन प्रकार की रियासतें थी। अब उसने ये जो नियम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का या विलय की नीति, ये विलय की नीति का सिद्धांत किन राज्यों पर अपनाया, उसने भारत की को तीन राज्यों में कैटेगराइज करा, तीन क्षेत्र, तीन अलग अलग तरह से कैटेगरी इसने बनाई, तीन कैटेगरियाँ बनाई भारतीय राज्यों की। पहली कैटेगरी तो वो थी वे रियासतें जो सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थी तथा कर अदा नहीं कर सकती थी, ऐसी राज्यों को अंग्रेज अपने अधीन कर लेंगे। दूसरी वे रियासतें जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थी तथा अंग्रेज़ों के अधीन आ गई, तो वो तो है ही अंग्रेज़ों के ही अधीन। अब ऐसी रियासतें जो अंग्रेज़ों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित की गई थी, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा जिसने जिन्हें अंग्रेज़ों ने रिकंस्ट्रक्ट करा था, या फिर जहाँ पर सत्ता उन्होंने अपनी मर्जी से मतलब अपने बल पर किसी को सत्ता पर स्थापित करा था, यानी कि वो एक तरह से रिस्ट्रक्चर करना हुआ, तो वो रियासतें भी अंग्रेज़ों के अधीन ही मानी जाएंगी। अब यही तीन तरह की रियासतें थी भारत में, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने सारे ही पूरे के पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया इस वैभगत के सिद्धांत के बाद। इस नीति के द्वारा जिन रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया वो इस प्रकार थी। सबसे पहले सतारा, सतारा संबलपुर, जयपुर और संबलपुर 1849, जयपुर और संबलपुर जेएस आपका, इसको आप शॉर्ट फॉर्म भी बना के याद रख सकते हैं, यानी कि न्यूमेनिक भी बना सकते हैं। बघाट, फिर बघाट है आपका, फिर उदयपुर, फिर झांसी, झांसी नागपुर और अवध, सबसे लास्ट में अवध। तो सतारा 1848, जयपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। तो इस प्रकार डलहौजी ने अपने गवर्नर जनरल के रूप में 8 वर्षों के कार्यकाल में 1848 से 1856 के दौरान 8 वर्षों का कार्यकाल था, और इसने 8 ही राज्यों को अपने में समामेलन किया, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में समामेलित कर लिया। तो अवध का समामेलन कैसे हुआ था, इसमें सबसे पहले यहाँ के स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने की थी 1724 में। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर कौन थे स्वतंत्र बादशाह, सआदत खां बुरहानुल मुल्क, इन्हीं के समकालीन कौन थे हैदराबाद में आसफ जहां निजामुल मुल्क, हैदराबाद में आसफ जहां निजामुल मुल्क, और इसी इन्हीं का समकालीन बंगाल में कौन थे मुर्शिद कुली खान। फिर 1700 अवध में मुगल का सूबेदार था सआदत खान ने 1724 से 1739 तक शासन किया। उसके बाद इनका भतीजा और दामाद सफदरजंग वजीर हुआ, जिसे ने 1754 तक शासन किया। इसके बाद सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला, ये सब क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सआदत खान बुरहानुल मुल्क, उनके बाद इनका भतीजा और दामाद सफदरजंग, इसके बाद शुजाउद्दौला बना, फिर इसके बाद अवध का नवाब बना 1764 के बक्सर युद्ध में, वो भी अंग्रेज़ों से पराजित हुआ। अवध का अगला उल्लेखनीय, अब आपको पता है 1764 का बक्सर युद्ध तो बंगाल में लड़ा गया था, लेकिन हमने वहाँ आपको बताया था कि बंगाल से मीर कासिम भागकर कहाँ आया था, अवध आया था, और अवध में उसने तीन शासकों के साथ तीन गुट का संगठन बनाया था, जिसमें अवध के नवाब भी थे और शाह शुजा थे, शुजाउद्दौला और अवध के नवाब भी थे। अवध का अगला उल्लेखनीय नवाब कौन था, सआदत खां। फिर इनके बाद कौन आया, सआदत खां, एक ये दूसरे सआदत खां, ये सआदत खां जूनियर है। अवध में अंग्रेजों से सहायक संधि की, और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 हुआ, जिनके समय में अवध का विलय कर लिया गया। अब 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो इस तरह अवध का समामेलन कर लिया गया। अब होता है ब्रिटिश भारत के समीपवर्ती देशों के साथ संबंध। अब ये तो उन्होंने हल्के हल्के इस तरह इन्होंने पूरे भारत में अपना पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया, ये तो हो गया अंग्रेजों का कंट्रोल पूरे भारत के अंदर। अब आते हैं अंग्रेजों के, अब भारत के समीपवर्ती राज्य, समीपवर्ती राज्यों में कौन कौन, आपका नेपाल भूटान और म्यांमार, स्पेशली ये तीन, म्यांमार अंदर हमने कर दिया, ये म्यांमार ये आ गया आपका, ये म्यांमार है।
बर्मा, जिसे आप बर्मा के नाम से जानते हैं। तो 1816 ईस्वी में नेपाल, 1855 में बर्मा यानी कि म्यांमार, 1904 में तिब्बत, तिब्बत एक रहेगा, तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था जो कि अब चाइना के अंतर्गत है तिब्बत, और 1922 में अफगानिस्तान ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली, 1922 नहीं 1822 होना चाहिए, संधि कर ली, नेपाल को अंग्रेज़ों ने अपना मित्र राज्य बना लिया। तो ये 1822 है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, 1822 में अफगानिस्तान ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की और नेपाल को अंग्रेज़ों ने अपना मित्र राज्य बना लिया। अब सबसे पहले देखते हैं आंगल नेपाल संबंध। तो भारत में अंग्रेज़ों ने नेपाल पर पहला अभियान बंगाल के नवाब मीर कासिम की ओर से चलाया, मीर कासिम की ओर से चलाया। पहला अभियान बंगाल के नवाब मीर कासिम की ओर से 1762 ईस्वी में किया। अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच 1814 में युद्ध की शुरुआत हो गई। अब यहाँ से होता है पहला आंगल नेपाल युद्ध। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। भारत आने से के साथ ही उसे गोरखों के साथ संघर्ष करना पड़ा। 1814 में आंगल नेपाल युद्ध शुरू हो गया। हेस्टिंग्स ने तीन ओर से नेपाल को घेरने की योजना बनाई। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत में वो तीन तरफ से उसकी सीमाएँ हैं, इस तरह से कुछ नेपाल का बाउंड्री है, एक उत्तरांचल से, फिर यहाँ यूपी और बिहार से, फिर इसी तरह यहाँ पर बीच में सिक्किम से वो टच होता है, बीच में सिक्किम भूटान के और नेपाल के बीच में सिक्किम आ जाता है। तो इस तरह तीन ओर से उसने नेपाल को घेरने की योजना बनाई। कर्नल आक्टर लोनी को सतलज नदी की ओर से यानी कि उसको इस साइड से भेजा पश्चिम की तरफ से, जनरल मार्ले को पटना की ओर से यानी कि यहाँ दक्षिण की ओर से गया, और जॉन वुड को गोरखपुर से यानी कि ये भी यूपी से एंटर हुए नेपाल की राजधानी की ओर अभियान के लिए भेजा गया। अब अप्रैल 1815 से गोरखा सेना की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। इस समय कर्नल निकोलस तथा गार्नर ने अल्मोड़ा तथा कुमायूं पर अपना अधिकार कर लिया। मकबनपुर में निर्णायक युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच संधि वार्ता चली और नेपाल दरबार में मार्च 1816 ईस्वी में सगोली की संधि का प्रस्ताव मान लिया गया। सगोली की संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार आपके एग्जाम्स के लिए, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीएससी ईपीएफओ हो, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस स्पेशली यूपीपीएससी हो। उसकी वजह यह है कि पिछले साल बहुत ज़्यादा तनाव चला है और अभी भी हाल हमारे जो संबंध हैं वो ज़्यादा कुछ बहाल नहीं हुए हैं नेपाल के साथ, और उसी की वजह से जो हमारी कोसी नदी, कोसी का जो नदी है, और जो नेपाल ने अपना एक मैप जारी किया था, आपको याद होगा कोरोना के टाइम से पहले नेपाल ने अपना एक मैप जारी किया था, उसकी वजह से भारत को बहुत आपत्ति थी, जिसमें कई तीन क्षेत्र उन्होंने अपने एरिया में दिखाए थे। वो तीन क्षेत्र अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम मेंशन कीजिए। उन तीन क्षेत्रों की वजह से आपत्ति थी जिसमें सगोली की संधि का जिक्र किया गया था। सगोली की संधि बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए स्पेक्ट्रम में भी और यहाँ पर भी। फिर होता है सगोली की संधि। इसमें मार्च 1816 ईस्वी में सगोली की संधि से आंगल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि में निम्न प्रावधान थे। पहला, नेपाल ने अंग्रेज़ों को गढ़वाल और कुमायूं जिले के साथ साथ हिमालय की तराई का अधिकांश क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्रदान करना स्वीकार किया। यही यहाँ पर सबसे जो इस बार रिसेंटली अभी नेपाल से जो हमारे यहाँ थोड़ा नेपाल से जो संबंध खराब हुए थे वो इसी चीज़ को लेकर हुए थे, सगोली की संधि को लेकर। फिर होता है दूसरा, अंग्रेजी राज्य ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा निश्चित की गई, यानी कि ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की अंग्रेजी राज्य को सीमा निश्चित किया गया। तीसरा, नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए, यानी कि सिक्किम अब ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आ गया। और चौथा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की अनुमति ली। यहाँ पर ये चीज़ आप पॉइंट याद रखिए बिल्कुल, कि अंग्रेज़ों ने जहाँ पर भी जिससे भी लड़ाइयाँ हुई एट द एंड जीत अंग्रेज़ों की हुई की ही हुई, और संधियाँ उन्होंने अपनी शर्तों पर करी, और सबसे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता था कि वो ब्रिटिश रेजिडेंट अपना एक वहाँ पर उस उनके क्षेत्र में छोड़ देते थे, या तो उसको डायरेक्टली कंट्रोल रखते थे तो उस पर ब्रिटिश रेजिडेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, लेकिन अगर वहाँ पर क्षेत्रीय राजा को राज्य अपने वहाँ रहने की अनुमति अगर दे दी जाती थी तो वहाँ पर फिर भी एक ब्रिटिश रेजिडेंट छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी गतिविधियों पर दिनचर्या पर नज़र रखी जाए। इसके बाद होता है आंगल बर्मा युद्ध, एंग्लो बर्मा वार। प्रथम आंगल बर्मा युद्ध 1823-24 ईस्वी के बीच लड़ा गया, द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लड़ा गया, और तीसरा और आखिरी बर्मा युद्ध 1885 में लड़ा गया। तीसरे बर्मा युद्ध में अंग्रेज़ों ने निर्णायक विजय प्राप्त की और बर्मा अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया गया। आप देखेंगे कि मराठाओं से अंग्रेज़ों के चार युद्ध होते हैं, मैसूर से चार युद्ध होते हैं, मराठाओं से तीन युद्ध होते हैं, और सिखों से सिर्फ दो युद्ध होते हैं। इस तरह आप इसको घटते क्रम में भी याद रख सकते हैं। और जो भारत से जो तटीय देश थे उनसे संबंधों में नेपाल से सिर्फ एक युद्ध होता है, बर्मा से तीन युद्ध होते हैं, नेपाल से एक और बर्मा से तीन युद्ध। प्रथम आंगल बर्मा युद्ध 1822 में ब्रह्मा के सेनापति महाबुंदेला ने असम पर अधिकार किया, फिर उसने मणिपुर जीता,
अब उसने कछार राज्यों को भी जीतना चाहा तो लॉर्ड एम्सहर्ट ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि अब बंगाल राज्य इसके पास आ गया, यह बंगाल राज्य के पास तक आ गया। अंग्रेजी सेना ने शाहपुरी द्वीप पर कब्जा कर लिया। अब बर्मा के विरोध करने पर 24 फरवरी 1824 को उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा अंग्रेज जनरल लॉर्ड एम्सहर्ट ने कर दी। इसमें क्या होता, आक्रमण के लिए अंग्रेजों ने दो तरफ से सेनाएं भेजी। पहली सेना उत्तर पूर्व के स्थल मार्ग से, जैसे कि आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है तो यहाँ पर तो पूरी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ये सारा बे ऑफ बंगाल का रीजन है नीचे। तो एक सेना तो उत्तर पूर्व से भेजी गई, यहाँ से भेजी गई, और दूसरी सेना पानी के रास्ते भेजी गई। क्यों? क्योंकि नेवी तो बहुत ज़्यादा मजबूत थी इनकी। पहली सेना उत्तर पूर्व के स्थल मार्ग से और दूसरी सेना मेजर जनरल सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से सेना भेजी गई। तो इसके बाद यांडूप की संधि होती है 24 फरवरी 1826 में। इस संधि की क्या शर्तें थी, निम्न शर्तें थी। पहला, तेंसिरिम और अरकान के प्रांत बर्मा सरकार ने अंग्रेजों को दे दिए, तेंसिरिम जो था, तेंसिरिम और अरकान के प्रांत। दूसरा, मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। तीसरा, बर्मा ने असम और कछार राज्यों से भी अपने अधिकार छोड़ दिए। चौथा, बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के लिए के दिए। और पांचवा, आवा सरकार ने अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। वही एक कॉमन पॉइंट, अंग्रेज रेजिडेंट यहाँ पर भी नियुक्त बर्मा सरकार के अंदर नियुक्त कर दिया गया। अब यांडूप की संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार लॉर्ड एम्सहर्ट के इस कार्य से इतनी प्रसन्न हुई कि उसने एम्सहर्ट को अर्ल ऑफ अरकान की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्ल ऑफ अरकान, इसकी उपाधि अंग्रेजों ने किसको दी थी, लॉर्ड एम्सहर्ट को। किस वजह से दी थी, अंग्रेजों ने म्यांमार पर यानी कि बर्मा पर विजय के पश्चात 1826 में अर्ल ऑफ अरकान की उपाधि एम्सहर्ट को दी गई। अब होता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। यांडूप की संधि से प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति तो हो गई, लेकिन जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। जैसे कि आपको पता है 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल था और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वयवगत का सिद्धांत या फिर विलय की नीति को अपनाया। डलहौजी ने सभी यूरोपीय देशों को बर्मा से अलग रखने की नीति अपनाई। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ इसी के कार्यकाल में, 14 अप्रैल 1852। आप इसको कंटेम्प्ररी जितने भी टाइमलाइन गुजरी हैं, इवेंट हुए हैं, उनसे जोड़कर देखेंगे जिस भी इवेंट को हिस्ट्री के, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अब मई 1852 तक अंग्रेजी सेना ने बसीन की संधि के साथ बर्मा के संपूर्ण सागर तट पर अधिकार कर लिया। गाडवे ने मार्तमान तथा रंगून पर अधिकार किया। सितंबर 1852 में डलहौजी स्वयं बर्मा पहुंच गया और नवंबर तक उसने प्रोम और पीगू को अपने कब्जे में कर लिया। दिसंबर 1852 की घोषणा के अनुसार प्रोम और पीगू अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अब होता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध यानी कि लास्ट आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा के राजा भिंडन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र थीबो शासक बना। अब ये शुरू से ही अंग्रेजों का दुश्मन था, अंग्रेजों को मित्र नहीं मानता था, तो उसने 1876 में दोनों राज्यों के संबंध खराब हो गए। 1878 में अंग्रेजी रेजिडेंट को बर्मा से वापस भेज दिया गया और 1885 में फ्रांस ने उत्तरी बर्मा से एक व्यापारिक संधि कर ली, जिससे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। अब लॉर्ड डफरिन थे, इन्होंने बर्मा के शासक के पास मॉन्डले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की मांग की, लेकिन बर्मा के शासक थीबा में उसकी में ऊपरी बर्मा पर बर्मा के शासक जो थे थीबो ने इनको इस इनकी इस मांग को अस्वीकृत कर दिया, यानी कि अंग्रेजों की इस मांग को नहीं माना। अब इस परिस्थितियों में अंग्रेजी सेना ने 1855 में ऊपरी बर्मा पर आक्रमण कर दिया और मात्र 14 दिनों में के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने संपूर्ण ऊपरी तथा उसकी राजधानी मांडले पर भी अधिकार कर लिया, ऊपरी बर्मा और उसकी राजधानी मांडले पर। अब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध से स्वतंत्र बर्मा के भाग्य का अंत हो गया। अब यानी कि बिल्कुल सफाया कर दिया उन्होंने। बर्मा के लिए अंग्रेजों ने एक उपराज्यपाल नियुक्त किया तथा संपूर्ण बर्मा को की राजधानी रंगून को बना दिया गया। अब होता है आंग्ल तिब्बत संबंध। अब आते हैं तिब्बत की तरफ। तो भारत में ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेजों के साथ तिब्बतों के संबंधों की शुरुआत गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई। हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1774 से 1775, यानी कि हेस्टिंग्स कब आया था, 1773। जैसे कि आपको पता होगा हेस्टिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो हेस्टिंग्स, इसलिए आप सब चीज़ों को जोड़कर देखा करिए। 1774-75 में जॉर्ज वोल्गले के नेतृत्व में कंपनी का एक व्यापारिक शिष्टमंडल लहासा भेजा। 1783 में हेस्टिंग्स ने सैमुअल टर्नर को लहासा भेजा। अब यहाँ से आवागमन शुरू हुआ। इसके अंतर्गत यंग हस्बैंड अभियान होता है पहले। तो ब्रिटिश सरकार से अनुमति मिल जाने के बाद लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड अधिया के नेतृत्व में एक मिशन खाम्बा जोग भेज दिया। अप्रैल 1904 में अंग्रेजी सेना ने ग्यानसे पर अधिकार कर लिया। इस पराजय के बावजूद दलाई लामा अंग्रेजों के साथ संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अंग्रेजी सेना ने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर अभियान किया।
अगस्त 1904 में अंग्रेजी सेना ने ल्हासा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस स्थिति में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भाग गया और 7 सितंबर 1904 को अंग्रेजों ने दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ ल्हासा की संधि कर ली। तो ल्हासा की संधि कब हुई? यंग हस्बैंड अभियान के बाद। ये आंगन तिब्बत संबंधों में ल्हासा की संधि की गई थी 1904 में और आंगल तिब्बत युद्ध समाप्त हो गया। अब आता है ल्हासा की संधि। ल्हासा की संधि के द्वारा अंग्रेजों और तिब्बतों के बीच युद्ध की समाप्ति हुई और उसमें निम्नांकित प्रावधान हुए। पहला, अंग्रेजों को ज्ञान से मातुंग और गड़तोक में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के अधिकार मिले। ज्ञान से में ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना की स्वीकृति मिली, वही एक कॉमन पॉइंट। और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए तिब्बत पर 75 लाख रुपए देने का बोझ डाला गया। अब होता है आंगल अफगान संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है एंग्लो अफगान रिलेशन। तो अफगान के साथ रिलेशन कैसे थे? भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से राज्य अवस्थित था। जो उत्तरी पश्चिमी सीमा आपको पता ही है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध यानी कि बाद में, रूस तीव्र गति से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो अफगानिस्तान और फारस की सीमा तक पहुंच गया। यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरे का संकेत थी। अब भारत की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों को दो प्रकार की नीतियां बनाई गई, एक अग्रगामी और दूसरी कुशल अक्रियता। अग्रगामी नीति की जो विचारधारा थी, इसके तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और परिणाम स्वरूप अफगान अमीरों के बीच दो युद्ध लड़े गए। और दूसरी है कुशल अक्रियता। इसकी नीति का पालन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के समय से लेकर वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तक किया गया। अभी ठीक है इसमें। प्रथम आंगल अफगान युद्ध, ये युद्ध 1839 से 1842 के बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया। इस युद्ध की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई और समाप्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो के समय हुई। लॉर्ड ऑकलैंड 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। 1826 में अफगानिस्तान के शाह शुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद जो था यहाँ पर शासन कर रहा था। इसलिए इन्हें रणजीत सिंह ने 1823 में पेशावर जीता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमान शाह था। जमान शाह ने ही रणजीत सिंह को वहाँ पेशावर में नियुक्त किया था। सितंबर 1886 में कैप्टन अलेक्जेंडर बर्नर्स को नाम मात्र के लिए व्यापारिक परंतु वास्तव में राजनीतिक उद्देश्यों से अफगानिस्तान भेजा गया। और उसी समय रूसी प्रतिनिधि कैप्टन विटकेविच भी अफगानिस्तान गया। फिर ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जून 1836 में त्रिदलीय संधि की। ऑकलैंड ने क्या किया? शाह शुजा को अफगानिस्तान दिलाने के लिए वो क्या करते थे, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में दो लोगों के बीच अगर सत्ता को लेकर युद्ध हो जाता था तो वो किसी एक का पक्ष ले लेते थे और दूसरे को हरा देते थे। इस तरह वो एक को तो रास्ते से हटा देते थे, अब बचा दूसरा, तो वो अकेला ही इतना कमजोर होता था कि उसको कभी भी हटाया जा सकता था। तो इसलिए वो क्या करते थे, पहले किसी एक गुट की तरफ हो जाते थे और उसको सपोर्ट करके बाकी दो को हरा देते थे। तो शाह शुजा ने अफगानिस्तान को गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जून 1836 में त्रिदलीय संधि की। नवंबर 1888 में ऑकलैंड ने फिरोजपुर में सेना जमा की। 1839 में अंग्रेजी सेना ने सिंध के मार्ग से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। इस सेना को सिंध की सेना कहा गया। पहले सर हेनरी फैन तथा बाद में सर जॉन कीन को इसका सेनापति नियुक्त किया गया। 1889 में अंग्रेजों ने गजनी को जीता और फिर 7 अगस्त 1889 में अंग्रेजी सेना काबुल पहुंची। अब इसके बाद होता है द्वितीय आंगल अफगान युद्ध। तो द्वितीय आंगल अफगान युद्ध प्रारंभ करने से का पूर्ण उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था। 1862 से 72 तक भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की, बिल्कुल एकदम न्यूट्रलिटी की, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रलिटी की उन्होंने नीति अपनाई। इससे अफगानिस्तान अंग्रेजों से नाराज हो गया, यानी कि लॉर्ड लिटन ने 21 नवंबर 1778 को युद्ध की घोषणा कर दी। 1778 को युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सेना ने तीन ओर से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। एक सेना सर सैमुअल ब्राउन के नेतृत्व में खैबर के दर्रे से भेजी गई, दूसरी मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में खुर्रम की घाटी से, और तीसरी जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में भेजी गई। तो शेर अली के पुत्र जो याकूब खान थे, इन्होंने अंग्रेजों से इसमें जब अंग्रेजों का पलटा भारी देखा तो इन्होंने अंग्रेजों से गंडमक की संधि कर ली। गंडमक की संधि मई 1879 में अंग्रेजों एवं याकूब खां के बीच गंडमक की संधि की गई। गंडमक की संधि किसका परिणाम थी? द्वितीय आंगल अफगान युद्ध का। और द्वितीय आंगल अफगान युद्ध किसके बीच हुआ? ये गंडमक की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और अफगान। अफगान में भी कौन? याकूब खां। याकूब खां ने गंडमक में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तथा हेरात एवं अन्य सीमावर्ती नगरों में अंग्रेजी प्रतिनिधि रखना स्वीकार किया। उसने अंग्रेजों से परामर्श के बिना किसी विदेशी शक्ति से संपर्क स्थापित नहीं करने स्वीकार किया। अब हम देखते हैं इसमें दो अंग्रेज गवर्नर या दो अंग्रेज वायसराय जिन्होंने इस अंग्रेज एंग्लो अफगान वॉर में सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिसमें एक है लिटन और दूसरा है लिटन की अफगान नीति है और दूसरी किसकी है? लिटन की अफगान नीति 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बना। उसके शासनकाल में भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित और स्पष्ट विदेश नीति को क्रियान्वित किया गया।
लिटन भारत में डिजरोली द्वारा नियुक्त किया गया था, यानी कि डिजरोली ने ही लिटन को नियुक्त किया था। लिटन की अफगान नीति गंभीरतापूर्वक निर्धारित की गई और उसका क्रियान्वयन भी दक्षतापूर्वक हुआ, लेकिन उसमें एकमात्र दोष काबुल में एक स्थायी रेजिडेंट अंग्रेजी रेजिडेंट रखने की जिद थी। इसी दोष ने लिटन की नीति और स्वयं लिटन तथा डिजरोली के सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त किया। इसी की वजह से तीसरा आंगल अफगान युद्ध हो जाता है। 1884 में जब रूस ने अफगानिस्तान की सीमा पर मर्व एक जगह है अफगानिस्तान की सीमा पर, यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया, तब ब्रिटिश सरकार को फिर से चिंता हुई। तो ब्रिटिश सरकार अब इस बात से प्रयत्नशील हो गई कि रूस और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण हो जाए। अब्दुल रहमान अंग्रेजों का संरक्षित था, इसलिए इस स्थिति में अंग्रेजों और रूस के बीच युद्ध का संकट उत्पन्न हो गया। भारत के तत्कालीन वायसराय एक रूस ऐसी ताकत थी जिससे उस टाइम भी अंग्रेज लड़ना नहीं चाहते थे, अंग्रेज नहीं चाहते थे इससे डायरेक्टली युद्ध में उलझना। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की दूरदर्शिता और अब्दुल रहमान के व्यवहारिक ज्ञान के कारण युद्ध का संकट टल गया। और इसमें लास्ट स्लाइड हमारी कि जुलाई 1887 में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के संबंध में रूस, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार तथा अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इसमें पंचदेह पर रूस का आधिपत्य स्वीकार किया गया। पंचदेह एक जगह है, इसमें ये जगह रूस की मान ली गई, जबकि जुल्फिकार दर्रे पर अफगानिस्तान का अधिकार मान लिया गया। अब देशी रियासतों के शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार ने इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स की स्थापना की। 1895 में रूस ने पामीर के पठार पर अपना अधिकार स्थापित किया और 1921 में दोनों पक्षों के बीच एक संधि स्थापित हो गई। 1922 में इंग्लैंड का अफगानिस्तान के बीच दूतावास संबंध हुए और इस समय से आंगल अफगान संघर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, यानी कि जब एक एम्बेसी स्थापित कर दी गई, दूतावास स्थापित कर दिया गया 1922 में अफगानिस्तान में, तो उसके बाद से अंग्रेजों ने सारा जितना भी इनसे जो लड़ाई थी वो सारी खत्म हो गई। आंगल और अफगानियों के बीच जितनी लड़ाई थी खत्म हो गई। अब हम कल को जो हमारा चैप्टर आएगा वो फिफ्थ चैप्टर आएगा, जो कि हमारा 1857 की क्रांति और उसके कारणों पर बेस रहेगा, उसके क्या कारण थे, क्या क्रांति और उसका क्या परिणाम था, इस पर बेस्ड रहेगा। और साथ ही हमारा इकोनॉमी ऑप्शनल हम कल से शुरू करेंगे, तो इकोनॉमी ऑप्शनल का हमारा फर्स्ट लेक्चर भी कल आएगा। हम मनी बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड इस टॉपिक से शुरू करेंगे। एक तो ये टॉपिक छोटा है, दूसरी साथ ही ये टॉपिक इंटरेस्टेड टॉपिक है और इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो ऑप्शनल भी तैयार होता चलेगा, साथ ही इस टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं जो जीएस के इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपकी यूपीएससी प्री में भी आपके काम आएंगे। तो लेकिन हम इकोनॉमी का ऑप्शनल तभी जारी रखेंगे जब आपका अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज हम इसको रोक देंगे बीच में। और ये सारी जो वीडियो हैं हमारी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की वो हम प्राइवेट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।